हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोन फिक्स यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स बताओ, सब लोग कैसे हैं? घर में ठीक ठाक है? और आज हम आपके लिए एक सॉल्यूशन लेकर आए हैं जो कि एक ओप्पो का मॉडल है F9 Pro। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम आती है बहुत सारे फोनों में आपको देखने मिलेगा, जो कि हेल्थ प्रॉब्लम आती है, 90% कंज्यूम वाला प्रॉब्लम आता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे आप लोग ऑलरेडी बहुत सारे फोन ये बना चुके हैं, हेल्थ रिपेयर करना बहुत इजीली है, लेकिन कोई ऐसा कस्टमर आपके पास आ जाए जिसके अंदर डाटा आपको बचाकर हेल्थ रिपेयर करना है, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? तो आप क्या कर सकते हैं इस कंडीशन में, अगर कोई कस्टमर आ जाए जो आपको डाटा बचाने के लिए बोलेगा और आपका डाटा भी ना जाए और आप उसको फोन को भी रेडी कर दे, हेल्थ रिपेयर कर दे? तो ये पॉसिबिलिटी बहुत सारे लोगों को नहीं पता किस तरह से करना है, क्या करना है। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। ऑलरेडी ये इसके ऊपर हमने बहुत पहले काम करके ऑलरेडी फेसबुक पे पोस्ट किया हुआ है, ऑलरेडी 2-3 साल हो गए, लेकिन आज भी लोग ये चीज को बहुत परेशान हो गए, लोग काम करने चाह रहे हैं कि ये डाटा बचाकर कैसे करें। तो आज हम ये चीज के ऊपर आपको सॉल्यूशन देने वाले हैं, कैसे प्रोसेस होगा, क्या क्या होगा, सारा चीज आप कर सकते हैं। तो आज हम एक बॉक्स के साथ करेंगे MIPI। तो ये MIPI से इसलिए करेंगे क्योंकि हमें इसमें टाइम का थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। अगर आपके पास UEFI बॉक्स है, आप UEFI बॉक्स से भी कर सकते हैं, EasyTech है, EasyTech से भी कर सकते हैं, जो आपके पास सारे टूल है वो आप उससे भी कर सकते हैं, जो भी बॉक्स होगा। मैं इसलिए इसे करूंगा क्योंकि इसकी स्पीड हाई है, जो काम UEFI एक दिन या 5 घंटे लगाएगा वो एक आधे घंटे का काम ये कर देगा, स्पीड इतनी होती है। इसके लिए मैं आपको सारा प्रोसेस इसमें बताऊंगा, सेम एज आप सारे बॉक्स में कर सकते हैं। तो होगा क्या वो आपको मैं इस लाइव वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं एक फोन है, पूरी तरीके से एकदम फ्रेश है, कुछ भी इसमें खुला हुआ नहीं है, काम नहीं किया हुआ, ना इसका शील्ड ओपन है। पहले मैं आपको ये बोर्ड पर बता देता हूँ कि देख सकते हैं पूरा तरीके से ये शील्ड है इसका, ना इमरजेंसी निकला हुआ है ना कुछ भी, एकदम फ्रेश बोर्ड पे हम काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं पूरा। और इसके अंदर मैं आपको ये भी दिखाता हूँ इसमें डाटा है या नहीं है और इसमें प्रॉब्लम आ रही क्या है, हेल्थ प्रॉब्लम कैसे कंफर्म करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको फोन को आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं ये ऑन हो रहा है। तो ऑन होने के बाद अभी यहां पर जो है पूरा ऑन हो जाएगा, कस्टमर का डाटा भी शो करेगा, पैटर्न लॉक वगैरह सारा कुछ है इसमें। अब इसके बाद आप देखेंगे कि कुछ मैं अगर इसमें कुछ काम करूं एक मिनट के अंदर, तो ये फोन ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा, फोन रिबूट हो जाएगा, फिर से ऑन होगा, फिर मैं कुछ करूं तो फिर से रिबूट होगा। यही प्रॉब्लम ये फोन में आ रही है। तो ये एक्चुअली इसका प्रॉब्लम हेल्थ प्रॉब्लम होती है, ये हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से ही आएगा, देख सकते हैं। लेकिन हेल्थ रिपेयर करना तो इजीली है, लेकिन ये डाटा बचाकर कैसे करना है वो चीज के ऊपर ये आज ये वीडियो बन रहा है, इस टॉपिक के ऊपर। तो जैसे कि देख सकते हैं ये फोन ऑन हो गया, इसमें कस्टमर का पूरा डाटा है, सारा कुछ फोटो इसमें है, इसमें हमारे पास पैटर्न लॉक भी है, जैसे कि देख सकते हैं ये पूरा डाटा कस्टमर का है। इसमें खोल जैसे मैं कुछ करता हूँ ये फोन रिबूट हो जाएगा, लोगों पे रिस्टार्ट हो जाएगा और ये रिबूट होके फिर से ऑन होगा। तो ये ही प्रॉब्लम आ रही है जिसके अंदर कस्टमर का डाटा बचाना है और हेल्थ प्रॉब्लम रिपेयर करना है। देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली रिबूट हो चुका है। तो ये कैसे प्रोसेस करना है, क्या करना है, अब इसके अंदर मैं पूरा काम करके बताऊंगा। आपने पूरा देख लिया प्रॉब्लम, जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ इसमें पैटर्न लॉक मैं खोलकर देखता हूँ तो डाटा रहता है, लेकिन कुछ एक मिनट या एक 50 सेकंड 30 सेकंड यूज करने के बाद फोन ऑटोमेटिकली रिबूट हो जाता है। रिबूट होने के बाद हमें करना ये है अब इसके अंदर काम, हेल्थ रिपेयर किस तरह करना है और साथ में इसका डाटा कैसे बचाना है। हेल्थ रिपेयर तो इजीली वर्क है, लेकिन विद डाटा बचाकर विदाउट डाटा लॉस कैसे करना है वो सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये सारा जो है ऑलरेडी मैं आपको इस पर पूरा वीडियो बताऊंगा। ये देखो फिर से ऑन हो गया, यहाँ पर कस्टमर का पैटर्न लॉक फिर से हम डालते हैं तो फोन ऑन हो जाएगा, लेकिन फिर से कुछ ना कुछ करेंगे फोन फिर बंद हो जाएगा। एक 50 सेकंड या एक मिनट के अंदर कुछ भी हम उसको अंदर काम करते हैं तो ये फोन हो जाएगा रिबूट। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ करते रहता हूँ, ये खुद ना खुद एक हैंग हो जाएगा और रुक जाएगा। F9 Pro है, 6GB RAM सारा कुछ शो कर रहा है। तो ये कुछ देर चलता है, एक मिनट भी चलेगा या फिर उसके बाद ये रिबूट हो जाएगा।
तो यहाँ पर थोड़ा सा हैंग होने शुरू हो गया। अब ये हो गया रिबूट, देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ देर के बाद चलता भी है और हैंग होके रिबूट हो जाता है, देख सकते हैं ये हो गया। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम आ रही है। अब इसको मैं पूरा रिपेयर करके आपको सामने दिखाऊंगा लाइव कैसे इसको रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम बोर्ड को बाहर निकालेंगे और इसकी ईएमएमसी को हम रिमूव करेंगे, उसके बाद इसके अंदर जो प्रॉब्लम हेल्थ रिपेयर आएगी मैं आपको लाइव इसके अंदर रिपेयर करके दिखाऊंगा किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको कैमरे को सेट कर लेते हैं और इसके बाद हम इसके शील्ड को रिमूव करके देखेंगे कि कौन सी। इसमें देखो ज़्यादातर हेल्थ प्रॉब्लम के लिए एसके हाइनिक्स ही आती है जो सबसे ज़्यादा ख़राब होती है, तो मैं इसमें वही दिखाऊंगा आपको कि कौन सी ईएमएमसी इसमें लगी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बैंड आती है सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आता है एसके हाइनिक्स के अंदर ही प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप देख सकते हैं इसमें ईएमएमसी अगर आपको दिख रही होगी, एसके हाइनिक्स का नाम आगे आपको दिख रहा है, हाँ तो देख सकते हैं क्लियर आपको दिख रहा होगा। तो ये हेल्थ प्रॉब्लम इसका हमेशा आता है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है। तो हम इसको शील्ड इतना कट कर देंगे जितना ईएमएमसी हमें निकालने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद हम इसको इसका ईएमएमसी रिमूव करके फिर आपको प्रोग्रामिंग करके दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमने यहाँ पर इसका शील्ड कट कर लिया है, जहां जितना हमें चाहिए था उतना हमने यहाँ से कट कर लिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कट कर लिया है ईएमएमसी का एरिया। अब यहाँ पर हम यहाँ पर ये ब्लैक पेस्टेड है जो इसका एसके हाइनिक्स है, ये एक नॉर्मल ब्लैक पेस्टेड है, आराम से निकल जाएगा, आप आराम से निकाल सकते हैं उसको। तो चलिए हम ईएमएमसी को निकालते हैं। ये BG254 का इसका ईएमएमसी है, तो इसके अंदर हम इसको पूरा अच्छे से निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने आईसी वहां से रिबॉल करके इसको अच्छे से क्लीन कर दिया है और अब इसको हम यहाँ पर फोन में लगाएंगे, सॉरी यहाँ पर बॉक्स में लगाएंगे हम इसको और यहाँ पर उसको चेक करेंगे इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है हेल्थ कंडीशन में। तो देखते हैं यहाँ पर MIPI टूल ओपन करके चेक कर लेते हैं और इसका हेल्थ कितना है, कंडीशन कितनी कंडीशन में बंद हो गया है एक बार वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं टूल ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर MIPI का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले हम MIPI का टूल ओपन कर लेंगे
और इसके अंदर मैं सबसे पहले कनेक्ट करके दिखाता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है जो हमारी स्कैनिंग्स की एमएमसी थी। तो सबसे पहले ये टूल हो गया ओपन, इसके अंदर हम सिलेक्ट करेंगे ईएमएमसी प्लेटफॉर्म और हमारा सॉकेट से है तो सॉकेट पे रख लेंगे। क्लॉक स्पीड जो है तो नॉर्मल ऑटो पे रखेंगे। वीसीसी क्यू 1.9 वोल्टेज इस पे वी पे रख देंगे। उसके बाद रीड इन्फो पे टिक लगाएंगे और कनेक्ट आईसी पे क्लिक करेंगे। तो वेट करते हैं यहाँ पर, जैसे कि ईएमएमसी यहाँ पर डिटेक्ट होगी उसके बाद हम चेक करेंगे इसके अंदर हेल्थ प्रॉब्लम क्या है, कितनी है, कैसी है, जो कि आप स्टार्टिंग में वीडियो के देख लिए थे। फोन पूरा ऑन था जिसमें कुछ देर चलने के बाद फोन रिबूट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये सारा प्रॉब्लम हम इसको फेस कर रहे हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो ये सारा डिटेल आ गया, देख सकते हैं यहाँ पर पूरा सॉफ्टवेयर फाइल है और इसमें सारा कुछ है। एक बार हम हेल्थ चेक कर लेंगे इसकी हेल्थ कितनी है, तो थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर ले लेंगे। अगर आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ देख सकते हैं इसके अंदर है हेल्थ प्रॉब्लम। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्री ईओएल एंड ऑफ लाइफ इंफॉर्मेशन बता रहा है जो कि अर्जेंट लिख कर आ रहा है। मतलब यहाँ पर आपका 90% कंज्यूम जो है यहाँ पर प्रॉब्लम आ चुका है, जो कि एसएलसी और एमएलसी जो है 30-40% चला गया है। इसकी हेल्थ जो है तो एक कंडीशन खराब हो गई है, इस कंडीशन की वजह से ही फोन रिबूट होने लग गया है। अब इसको रिपेयर करना है और विदाउट डाटा लॉस करना है, तो कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस होता है, तो मैं आपको इसमें सिर्फ टेक्निक बताऊंगा किस तरह काम होगा। लेकिन अगर पूरा डिटेल के साथ जानना ये होता कैसे क्या होता है तो हमारे क्लास में आप अपनी ज्वाइन करिए और आकर हमारे से फुल डिटेल के साथ पूरा कोर्स ज्वाइन करिए। आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ये सारी चीजें हम बताएंगे, डीप नॉलेज तक। हम आपको यहाँ पर सिर्फ एक प्रॉब्लम बता रहे कि किस तरह सॉल्व करेंगे हम इसको, लेकिन इसका काम करने का जो तरीका होता है ये होता कैसे है, हर मॉडल में किस तरह कर किया जाता है, तो ये सारा डीपली नॉलेज आपको पूरा यूट्यूब पे नहीं मिल सकता। आपको आना पड़ेगा यहाँ पर फोनफिक्स हैदराबाद, और फोनफिक्स हैदराबाद आने के बाद आपको सारा डीप नॉलेज आपको आपके आंखों के सामने होगा। तो ये सारा लाइव हम आपके सामने करते हैं पूरा प्रैक्टिकली। आप अपने साथ फोन लेकर आ सकते हैं, इस टाइप के फोन लेकर आ सकते हैं जिसमें आपको डाटा बचाना है, हेल्थ रिपेयर करना है, या एमएमसी चेंज करना है, ईओएस चेंज करना है, सारे टाइप के प्रॉब्लम आप लेकर आ सकते हैं। आप अपने साथ बनाकर भी ले जा सकते हैं, उसकी फीस कवर भी कर सकते हैं उसमें। तो बहुत सारी चीजें हैं आप यहाँ आकर कर सकते हैं, जो कि हम आपको 10 फोन मिनिमम आपको लाने के लिए देते हैं, तो आप अपने फोन साथ में लेकर आ सकते हैं। चलिए हम यहाँ काम करते हैं। तो सबसे पहले इसमें स्टार्टिंग क्या करें, अब हमें डाटा भी बचाना है तो सबसे पहले हम इसका एक्सक्लूड का डंप रीड करेंगे, जिसे हमें इसका जो है तो सॉफ्टवेयर फाइल सारा कुछ इसमें आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका रीड करेंगे एक्सक्लूड यूजर डाटा डंप। तो सबसे पहले मैं यहाँ टिक लगा लेता हूँ और यूजर डाटा को सिर्फ अनटिक करके ये 3 फाइल को रीड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम फोल्डर क्रिएट करेंगे। ये हमारा मॉडल है ओप्पो F9 Pro, तो ओप्पो F9 Pro यहाँ पर हम मॉडल लिख लेते हैं और यहाँ पर डम लिख लेते हैं। इसके साथ डम जो होता है हम ये डम रीड कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम कर देते हैं सेव। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हो गया बूट 1, बूट 2, EXE/CXDE ये सारा रीड हो गया। अब बारी आती है एक्सक्लूड यूजर डाटा, यूजर डाटा को हम एक्सक्लूड कैसे बनाएंगे। तो यहाँ से तो हमें रीड नहीं करना, हम यहाँ नीचे से रीड कर लेंगे यूजर डाटा को। इसमें हम करते हैं टिक लगा लेंगे सबसे पहले, और यूजर डाटा अभी फिलहाल नहीं लेना है हमें डाटा बचाने के लिए। फिलहाल तो हमें नॉर्मल डम रीड कर रहे हैं एक्सक्लूड का, कस्टमर का डाटा यहाँ से बाद में हम रीड कर लेंगे। सबसे पहले हम यूजर डाटा को यहाँ से रीड कर लेते हैं। तो इसका जो कोड है वो कोड हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे, जो कि यहाँ पर 0x1c98 और यहाँ पर जीरो जो है टोटल जीरो लगे हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5। तो टोटल यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पूरा एड्रेस स्टार्ट एड्रेस मैंने यहाँ पर लेंथ में इसका डाल दिया है। हम इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, बस यहाँ पर हम इसको टाइप करके इसके अंदर सेम टू सेम कोड मैच करा सकते हैं। इसके बाद हम इसको रीड कर लेंगे, क्योंकि हमें ये डंप डाटा अभी फिलहाल कस्टमर का डाटा नहीं चाहिए, तो हम इसको कर लेते हैं रीड। उसी सेम फोल्डर में हम इसको रीड कर लेंगे जहां पर हमारा बूट 1, बूट 2 है, वो सारा चीज वहां पर है। और आप देख सकते हैं इसकी जो स्पीड है वो आप कितनी स्पीड में ये रीड करेगा, आप इसके अंदर कम से कम आपको आधा घंटे के अंदर ये सारा डंप फुल रीड कर लेगा, इतनी स्पीड होती है। इसके लिए मैं ये MIPI से बता रहा हूँ, अगर आप ये UFI से करोगे तो थोड़ा सा टाइम स्पीड ज्यादा लगेगा, क्योंकि वो बॉक्स की स्पीड मैक्सिमम आपकी 15 Mbps 12 Mbps की स्पीड में चलता है, 10 Mbps भी चलता है, तो उसकी स्पीड इतनी नहीं होती जितना उसको आपको रीड करने में टाइम लग जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 60 Mbps 100 Mbps तक चला जाता है इसकी स्पीड, तो ये रीड करने में आपको थोड़ा सा जल्दी टाइम आपका बचा देता है। तो इसके लिए मैं आपको ये सारा प्रोसेस इससे बता रहा हूँ।
तो ये सारा प्रोसेस होने के बाद हमें ये रीड होने के बाद हमें यूजर डाटा रीड करना है अलग से, जो कि पूरा देखेंगे 51 जीबी का है। आपके पीसी में उतना जीबी खाली होना चाहिए जहां पर आप उसको सेव कर रहे हो डेस्कटॉप पे, उतना आपका जो स्पेस है उतना आपको खाली रखना पड़ेगा 51 जीबी का। उसके बाद उसको भी हम रीड करेंगे, अलग से रीड करेंगे, डम के अंदर रीड नहीं करना। उसके बाद हम रीड करेंगे उसको, थोड़ा सा टाइम लगेगा तो थोड़ा सा वीडियो हम यहाँ पर स्किप भी करेंगे, क्योंकि इतना टाइम जो है तो आप वेट नहीं कर पाओ, क्योंकि उसको रीड करके राइड भी करना है। तो ये सारा जो है तो एक घंटे दो घंटे का प्रोसेस होता है, तो पूरा वीडियो में दो घंटे का वीडियो कवर नहीं कर सकते हम। हम यहाँ पर आपको मेन मेन चीजें बताएंगे कि क्या क्या चीजें हम यहाँ कर रहे हैं, तो आप ये पूरा वीडियो तक बने रहना कि क्या क्या चीज हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, आप अच्छे से देख लीजिए। तो अभी हमारा कंप्लीट हो गया है, 60% तक ये डम रीड हो रहा है। इसके बाद हम इसको यूजर डाटा को रीड करेंगे। देखिए अभी ये इसकी स्पीड इसलिए कम है क्योंकि ये अभी हेल्थ कंडीशन में पड़ा हुआ है। जब मैं इसकी हेल्थ रिपेयर कर लूंगा सारा कुछ होने के बाद, डम रीड करने के बाद जब इसकी हेल्थ रिपेयर करूंगा तब इसकी स्पीड आपको भी यहाँ पर 62 MBPS बता रहा है। ये बाद में 100 के ऊपर क्रॉस कर जाएगा क्योंकि इसकी हेल्थ रिपेयर हो जाएगी तब, ठीक है। तो ये हेल्थ कंडीशन में इतनी स्पीड में काम कर रहा है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे हम ये पूरा रीड होने के। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसका सारा डम कितना जीबी का लिए, एक्सक्लूड यूजर डाटा का 51 जीबी बता रहा है, कस्टमर का डाटा बचाना है वो भी हमें रीड करना है। तो ये सारा चीज है पूरा, मैं आपको पूरा डीपली बताना है, तो आपको मैं यहाँ कर क्लास में आवा जाइए, आपको क्लास में सारा चीज ये डीपली बताया जाएगी कि किस तरह से हम ये डाटा बचाकर किसी का हेल्थ रिपेयर इजिली कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है जो कि एक्सक्लूड यूजर डाटा डम रीड हो रहा है। इसके बाद हम यूजर डाटा को भी रीड करेंगे अलग से। तो स्पीड मेन जो है यहाँ स्पीड का काम है, देख सकते हैं आप जो स्पीड है इतनी स्पीड में ये MIPI कर सकता है, बाकी के कोई भी बॉक्स इसकी चैलेंज नहीं कर एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि सारी स्पीड जो है उन लोगों की कम होती है। तो ये हो गया हमारा डम रीड। अब इसके बाद मैं रीड करूंगा यहाँ पर यूजर डाटा, ओनली यूजर डाटा को रीड करूंगा क्योंकि हमें कस्टमर का डाटा बचाना है। तो यहां से मैं इसको कर लेता हूं टिक लगा के रीड, और उसी सेम फोल्डर में जहां पर मैंने डम रीड किया उसी सेम फोल्डर में इसको मैं सेव कर देता हूं। तो यहां पर ये रीड होना स्टार्ट हो गया, देख सकते हैं यहां पर स्पीड भी बताना स्टार्ट हो गया, ये बता रहा है कुछ 50 MBPS की स्पीड में। लेकिन इसको रीड करने के लिए अब टाइम तो लग सकता है, आधा घंटा भी लग सकता है, तो पूरा वीडियो इतना लंबा ना हो तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो को स्किप करूंगा कि आपका वीडियो जो है लंबा ना हो। तो ये अभी देख सकते हैं 1% हो चुका है रीड करने के लिए, और अभी इसको पूरा कंप्लीट करना है, 100 तक जाना है क्योंकि 51 जीबी का मतलब जो है तो बहुत लंबा टाइम लग सकता है। तो देख सकते हैं 2% अभी हो चुका है, मतलब मैक्सिमम 20 सेकेंड के अंदर 2% हुआ, तो आप टाइमिंग का एक्यूरेट लगा सकते हैं कि ये 20 मिनट में 2% हो रहा है तो 100% कितने मिनट में होगा। तो देखते हैं इसको टाइम लगेगा, थोड़ा सा हम यहाँ पर वीडियो को स्किप करेंगे, पूरा कंप्लीट होने के बाद हम आगे का वीडियो स्किप करेंगे। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा बीच में वीडियोस को स्किप किए थे क्योंकि जो 51 जीबी का डम जो एक्स यूजर डाटा का जो फाइल रीड हो रहा था उसके लिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो स्किप किए, थोड़ा सा टाइम लग गया, आधा घंटा लग गया इसको। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी 97 अभी भी रीड हो रहा है, पूरा अभी हुआ नहीं है, 97 पे है अभी, ये 3% हो जाएगा फिर ये पूरा टोटली रीड हो जाएगा। उसके बाद हम इसको हेल्थ रिपेयर करेंगे, फॉर्मेट करेंगे, उसके बाद सारा काम करेंगे, और उसके बाद फिर वापस से रिपेयर करने के बाद फिर सारा चीज वापस से जैसे हमने रीड किए वैसे हम उसको वापस रिस्टोर करेंगे। हम पहले डम डालेंगे फिर यूजर एरिया की यूजर डाटा की फाइल डालेंगे। तो ये सारा काम हम इसके बाद करेंगे, पहले ये कंप्लीट हो रहा है, जैसे 99 हो चुका है और ये हमारा 100% हो जाएगा। इसके बाद हमारा ये फुल 51 यूजर डाटा भी 51 जीबी का जो है तो रीड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये सारा प्रोसेस जो है लंबा प्रोसेस होता है जो कि पूरा कवर वीडियो में नहीं कर सकते हम क्योंकि 2 घंटा चले भी जा सकता है इसके पीछे। तो ये सारे चीजें जो है अगर आप सीखना चाहते हो पूरी तरीके से अच्छा, अगर आपको नॉलेज लेना है तो ये आपको सामने बैठकर ही लेना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पर फोन फिक्स आएंगे तो आप यहाँ से आप ये पूरा ले सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो वेट करते हैं, तो यहाँ 100% हो गया है। तो हमारा पूरा डम रीड हो चुका है, एक्सक्लूड डम भी हमने रीड कर लिए, और जो यूजर डाटा का जो 51 जीबी का जो फाइल था वो भी हमने पूरी तरीके से रीड कर लिए हैं। अब यहाँ पर आपको मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि कहाँ पर हमने इसको रीड किया हुआ है।
देख सकते हैं F9 Pro यहाँ पर फोल्डर क्रिएट हुआ जिसके अंदर तीन फोल्डर बने हैं। सबसे पहले नंबर वन फोल्डर में हमने स्टार्टिंग के तीन फाइल क्रिएट किए थे, बूट वन, बूट टू, EXE/CHD, ये एक फाइल में आ गया, एक फोल्डर में आ गया। यहाँ पर एक यूजर एरिया का जो डंप है एक्सक्लूड वाला, वो यहाँ पर 7.5 GB में बन गया। और जो लास्ट वाला फोल्डर है इसमें हमारा यूजर डाटा जो 51 GB का है वो इसमें आ चुका है, तो कस्टमर का डाटा पूरा इसमें है। अब ये सारा वापस हम इसको रिस्टोर करेंगे, सबसे पहले EMMC का हेल्थ रिपेयर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ आते हैं और EMMC को फुल इरेज करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर सफेद टिक लगाएंगे और इसके बाद हम यहाँ नीचे से इरेज कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको सर्विस में जाकर हेल्थ रिपेयर कर लेंगे कम्प्लीटली। और उसके बाद फिर हम पूरा डंप राइट करेंगे, डंप राइट करने के बाद उसके बाद हम कस्टमर का डाटा भी राइट कर लेंगे। तो जैसे कि यहाँ देख सकते हैं इरेजिंग हो चुका है, फिर से हम डिस्कनेक्ट करते हैं, फिर से एक बार कनेक्ट कर लेते हैं इसी को। तो ये सेम प्रोसेस आप सारे बॉक्स में कर सकते हैं, अगर आप UFI से करना चाहते हो, EZX से करना चाहते हो, सारे बॉक्स में ये सब पॉसिबिलिटी है, बस अब अपने तरीके से करना है बॉक्स के अंदर काम। तो यहाँ पर मैं MIPS से बता रहा हूँ, जैसे कि देख सकते ये इरेज हो चुका है। अब इसके अंदर जो अर्जेंट लिखकर आ रहा है ये एरर हमें हटाना है, जो हेल्थ प्रॉब्लम पड़ी है। तो सर्विस में आते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं रिपेयर EMMC लाइफ टाइम का बटन यहाँ पर जो वन क्लिक में दिया हुआ है, आप बस इसको वन क्लिक कर लो और इसका हेल्थ रिपेयर आपका हो जाएगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले आते हैं और इसको हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका रिकनेक्ट हो जाएगा वापस से खुद से EMMC और आपका हेल्थ रिपेयर कर देगा। तो ये बहुत इजीली वर्क है बाकी के बॉक्स के मुकाबले, अगर देखेंगे हेल्थ रिपेयर करना तो इसमें वन क्लिक का टैप दिया हुआ है, बाकियों में आपको कुछ बॉक्सेस को टिक लगाना होता है, यूजर फाइनल राइट करना होता है, वो सारा चीज होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर नॉर्मल लिखकर आ चुका है और जो टाइप बी है वहां पर 30-40% था, अब वहां पर 0-10 हो चुका है, मतलब अभी हेल्थ रिपेयर हो चुकी है। तो ये वन टाइम हेल्थ रिपेयर होती है, सेकेंड टाइम अगर ये फिर से अगर खराब हो जाए तो आपको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको EMMC चेंज करना होगा। तो सारा चीज जो है तो देख सकते हैं हेल्थ रिपेयर हो गई है। अब बारी है हमें जो डम रीड किए थे अब उसको रिस्टोर करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सक्लूड डम को राइट करेंगे, फिर लास्ट में हम यूजर डाटा जो कस्टमर का डाटा है वो लास्ट में राइट करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं यूजर, यहाँ पर जो चार फाइलें आपको दिख रही है यहाँ पे हमें अपनी जो फाइलें होती है उसको यहाँ पर लोड कर लेंगे। तो हमारा फोल्डर है F9 Pro, ओप्पो F9 Pro, तो यहाँ पर ये फोल्डर है इसको ओपन करते हैं। तो सबसे पहले यूजर एरिया की सिलेक्ट करेंगे, तो सेकंड नंबर वाले फोल्डर में यूजर एरिया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये लग गई है यूजर एरिया। फिर हमारी बूट वन है तो बूट वन सेकंड फोल्डर में जाना पड़ेगा, फर्स्ट वाले में यहाँ पर बूट वन मिल जाएगा। उसके बाद बूट टू की हम यहाँ पर फाइल को राइट कर लेंगे और उसके बाद EXE/CHD को सिलेक्ट कर लेंगे। ये चारों फाइल हमारी इसके अंदर लोड हो गई है और इसको हम सबसे पहले कर देते हैं राइट। तो अब राइट में करने के बाद जो इसकी स्पीड है, जैसे आप पहले देखे थे 50-60 की स्पीड चल रही थी, अब अगर मैं देखूं तो इसके अंदर राइट करने के बाद जो हैंड रिपेयर के बाद जो इसकी स्पीड होगी, तो हम यहाँ पर देखेंगे कितनी स्पीड में राइट हो रहा है। तो अब देख सकते हैं 90, 100, 130, मतलब 112 की स्पीड जो पहले चल रही थी 50-60 में जितना टाइम लग रहा था उससे डबल स्पीड अभी ये हो चुका है, क्योंकि हेल्थ रिपेयर हो गया। पहले हेल्थ प्रॉब्लम में था तो उसकी वजह से आधी स्पीड मिल रही थी, अब पूरी स्पीड मिल रही है। तो यहाँ पर काम अब जल्दी होगा, मतलब पहले जो हमने रेड करने में जितना हमें आधा घंटा लग गया था, अब उतना टाइम नहीं लगेगा और उसका आधा टाइम लगेगा। जैसे आधा घंटा लगा तो अब 15 मिनट लग सकता है राइट करने में। तो अब यहाँ पर हम जो डम डालेंगे सारा राइट करेंगे पूरी फुल स्पीड में होगा और पूरा काम होने के बाद हम सीधा EMMC को फोन में लगाएंगे। हम कोई रिसेट वगैरह करेंगे नहीं, FRP क्लियर करेंगे नहीं, कुछ नहीं, सीधा फोन निकाल कर लगाएंगे क्योंकि हमें डाटा की जरूरत है। तो चलिए ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद हम EMMC को लगाएंगे और लाइव आपको बताएंगे कि कैसे डाटा हमारा बचा या नहीं बचा, या पूरा प्रोसेस जो है तो कैसा है, ये फेक है या नहीं है, आप पूरा लाइव देख सकते हैं। वीडियो को स्किप मत करें, लंबा हो सकता है थोड़ा सा वीडियो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत बार थोड़ा सा बीच में वीडियो को रुका कर आपका टाइम बचाया है, तो और भी वीडियो लंबा हो सकता है। तो पूरा वीडियो देखेंगे तभी अगर आपको पूरा सोल्यूशन मिलेगा, नहीं तो आप अगर वीडियो स्किप करते हैं तो आप कहीं ना कहीं मिस कर जाओगे, आपका डाटा बचेगा नहीं, ये आप उसको फिर या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो इसके लिए पूरा वीडियो देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये हो चुका है हमारा एक्सक्लूड डम राइट। अब एक बार फिर से हम IC को डिसकनेक्ट करके फिर से रिकनेक्ट करेंगे और अब बारी आएगी आपकी यूजर डाटा राइट करने की। तो कहां से राइट करना है पहले हम इसको डिटेक्ट करेंगे IC को। तो इतना डीप नॉलेज हम आपको हर एक चीज के बारे में बताते हैं, किस तरह से काम किया जाता है, कैसे कैसे सारा प्रोसेस होता है। अब इस कंडीशन में अगर मैं बिना कस्टमर का डाटा अगर लगा दूं तो फोन तो ऑन हो जाएगा लेकिन डाटा नहीं आएगा, फोन हमारा काम तो हो जाएगा। जैसे आप
जैसे करते हैं उस तरह से काम हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्पेशल कर रहे हैं हम, डाटा बचाने वाला काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पार्टीशंस होते हैं, ये पार्टीशन में यूजर डाटा में नीचे आएंगे, जहां से हमने रीड किए वहीं से हम उसको डबल क्लिक करेंगे और हमारी जो फाइल है यूजर डाटा की, ये सबसे तीसरे नंबर वाली, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर ये हो गई सिलेक्ट और इसको सिंपली राइट कर देंगे। बस आपका काम यहाँ पर, ये जो एक फाइल हमने सिलेक्ट की है यूजर डाटा की, अब ये राइट होगी। तो राइटिंग की स्पीड भी आप देख सकते हैं 100 क्रॉस कर चुका है, और ये पहले जितने अगर आधा घंटा लिया था, अभी उतना टाइम नहीं लगेगा, ये लेगा सिर्फ 15 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं लेगा, 15 मिनट लेगा। तो फिर भी मैं इसके लिए वीडियो थोड़ा सा स्किप करूंगा, क्योंकि इसमें भी कि आपका वीडियो जो लंबा हो जा रहा है, तो आपको पूरा पूरा टाइम इतना नहीं मिलेगा, इसके लिए मैं इसको वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते है वो यूजर एरिया भी हमारी राइट हो चुकी है, और इसके बाद अब यहाँ पर देख सकते फिनिश हो गया पूरा हमारा, 51 GB का भी राइट हो चुका है। अब इसको हम करेंगे फिक्स EMMC फोन में लगाएंगे, और इसके बाद हम ऑन करके चेक करेंगे कि अब हमारा जो काम हमने किए क्या वो हमारा बन गया या नहीं बना, डाटा बचा या नहीं बचा, क्योंकि हमने इसमें एक्सक्लूड हम रीड किए, यूजर डाटा डम रीड किए। बहुत सारे लोग क्या करते यूजर डाटा फुल रीड कर लेते हैं, मतलब जैसे कि फुल डम रीड कर लेते हैं वो रीड, उसमें उनका डाटा नहीं बच पाता। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ अलग अलग ट्रिक होती है, तो यहाँ पर हमने ये सारा प्रोसेस कर लिया। अब चले ये EMMC हम उठा लेते हैं और इसको कर देते हैं फोन में बोर्ड में फिक्स। तो हमारा ये बोर्ड है जिसके अंदर हमने इसको क्लीन कर चुका है, बस इसको फिक्स कर देना है। चलिए हमारे अब आते है स्क्रीन पे। तो यहाँ पर हमारी EMMC लग गई है और थोड़ा ठंडा भी होने देंगे। तो चलिए अभी यहाँ पर उसको चेक करते हैं, अभी हमारा फोन काम हुआ नहीं हुआ। तो चलो उसको एक बार ऑन करके देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा फोन लोगो आ चुका है, और अभी देखते हैं ऑन होने के बाद जो डाटा हमें चाहिए था क्या ये डाटा बच गया नहीं बचा, पॉसिबल है नहीं है, तो देखेंगे हम यहाँ पर लाइव, क्योंकि आपके सामने ये पूरा लाइव हुआ है। मैंने सारा प्रोसेस किया था डम बैकअप करके, यूजर डाटा 51 GB का रीड करके, सारा कुछ करके। अब आप यहाँ देखेंगे फोन ऑन होने के बाद क्या ये हमारा डाटा बचेगा या नहीं बचेगा, पूरा इस वीडियो में आपको लाइव है। और ये YouTube पे पहली बार इस वीडियो का आ रहा है, कोई भी अभी तक किसी ने इसको रिपेयर नहीं किया। तो आप देख सकते हैं इसमें डाटा आ चुका है फ्रेंड्स, ये पॉसिबल है, आप डाटा बचाकर हेल्थ रिपेयर कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर डाटा आ चुका है फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं ये पूरा लाइव आपके सामने हुआ है, YouTube पे फर्स्ट वीडियो है जो कि कोई भी हेल्थ रिपेयर करके डाटा बचाकर इस वीडियो को कोई नहीं दिखाएगा आपको। ये पूरा इस वीडियो मैंने आपको बताया कि किस तरह डाटा बचा हुआ है, ये कोई फेक वीडियो नहीं है। अगर आप देखोगे तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको पूरा शील्ड फोन बताया था, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये अभी यहाँ पर देख सकते हैं ये शील्ड निकला हुआ है, दिख रहा है आपको, कटा हुआ दिख रहा है, EMMC निकला हुआ काम किया हुआ दिख रहा है पूरा बोर्ड, ये वही बोर्ड है, कोई अदर बोर्ड नहीं है। और डाटा भी आप स्टार्टिंग में देखे थे, ये बच्ची का फोटो है, सारा कुछ है, पैटर्न भी मैंने जो ऐड किया था, ये 2 मिनट के 1 मिनट के बाद रिस्टार्ट हो रहा था, फोन में प्रॉब्लम आ रहा था हेल्थ रिपेयर का। तो ये पूरा पॉसिबल, हमने कोई फेक वीडियो नहीं बनाया, इसमें कोई चीज आपको ऐसा नहीं बताया फेक है, ये सारा आप कर सकते हैं। लेकिन जिस भाई से नहीं हो रहा था, ये उसको ट्रिक पता नहीं है कि किस तरह से करना है, कैसे करना है, कौन से बॉक्स से, बॉक्स तो सभी एक ही होते, काम करने के तरीका सब में एक होता है, लेकिन ये प्रोसेस जो है किसी को भी नहीं पता। बहुत लोग कर चुके हैं, बहुत लोग मुझे कॉल करके बोलते हैं सर ये मुझे डाटा बचाकर किस तरह से बनाऊंगा, मैं कैसे करूंगा, कैसे है पॉसिबल। तो यार अगर मैं आपको फोन में बता दूं तो ये आपको समझ नहीं, जब तक ट्रेनिंग अगर आप नहीं लोगे, जब तक आपको कोई सोल्यूशन नहीं, आधा अधूरा नॉलेज आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, फोन डेड कर सकते हैं, डाटा नहीं बचा पाएंगे इस तरह। अगर आप ये देखिए, अगर आपने हेल्थ रिपेयर करके डाटा बचाया तो कितना पैसा कमाओगे आप,
सोचिए कभी, अगर आप हेल्थ रिपेयर कहीं 1000 से 1500 रुपए चार्ज करते हैं, तो जब डाटा बचा कर करोगे तो 5000 तो आराम से चार्ज करोगे, तो आप यहां पर आराम से कोई भी फोन का डाटा बचा सकते हैं हेल्थ प्रॉब्लम में। तो आपको इस वीडियो में पूरा पूरा सॉल्यूशन मिल चुका है। अगर आपको प्रॉपर तरीके से सीखना है तो फोन फिक्स को ज्वाइन करिए। 27 जुलाई का हमारा बैच बुकिंग चल रही है, नीचे दिए नंबर पे आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं, और जल्दी से आप अपनी सीट बुक करके हमारे पास आइए। और टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि मार्केट में बहुत काम पड़ा हुआ है जो आपसे रिटर्न हो रहा है। अगर आपको करना है वो फोन को रिटर्न नहीं भेजना है, अगर प्रॉपर तरीके से करना है, तो ये नॉलेज लेने के लिए फोन फिक्स को ज्वाइन करिए, और यहां आकर प्रॉपर तरीके से बेसिक से लेकर एडवांस आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको इतना ही सॉल्यूशन था। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और हम नया आपके लिए कंटेंट लेकर आएंगे। जो यूट्यूब पे नहीं मिलेगा वो हम आपके लिए लेकर आएंगे, और नए नए यूफिस के बारे में आपको बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।